بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريح تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. सो जैसे कि हम हरम शरीफ से आप नफक के जो नफक से बाहर आते नफक मींस टनल इन अरेबिक सो नफक से बाहर आते तो सबसे पहले होटल ली मेडन आती है आजाद रोड पे फिर अस्काल सफा फिर स्नूद अजियाल फिर बरखा मद्दा ये आगे जो राइट से गली जाती है बस उसी में गली में आगे वहाद जियाफा जो होटल लूनू की गली है ये है होटल वहाद जियाफा और इसके आगे जो गली जाती है ना यहाँ पर आप जहाँ पर देख सकते हैं मैं जूम करना यहाँ पर आगे एम लिखा हुआ है ये होटल मीरा सूद है ये भी काफी फेमस होटल है और यहाँ पे काफी सारे इंडियन ग्रुप के बूफे भी लगते हैं और ये सामने वाला जो देख रहे हैं ये अजियाद रोड है यहाँ पर होटल दल्ला अजियाद होटल लूलू भी और आगे लेफ्ट में बरखा मद्दा है सो ये होटल की एंट्री है सामने एक एंट्री है और एक एंट्री है जो इधर भी तो चलो अंदर चलते है ये जो है ये मेन एंट्री है होटल वहाद जियाफा की लेट्स गो इनसाइड एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी पब्लिक है ये मेन लिफ्ट वाला पार्ट है This is the main reception area और ये पूरी इसकी लॉबी है This is how it looks and यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी बैग वैग जमजम का अगर बैग चाहिए बाकी ज्वेलरी या टोपी और जो मैं आपको कैफे की बात कर रहा था वो ये है अल वहाद कॉफी और ये पूरा इसका लॉबी है सामने आगे वॉशरूम भी है और आगे एक स्टाफ की लिफ्ट है और बाकी दो लिफ्ट इधर है सो अभी मैं बैठा हूँ होटल वहाद जियाफा की लॉबी में ही वो बाहर बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है इसके लिए माइक को हाथ में पकड़ना पड़ रहा है अंदर इतना नॉइज़ नहीं है सो अगर लोकेशन वाइज की बात करें तो हरम से अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बोलूँ ना तो ये 550-600 मीटर दूर है आई मीन 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है 10 to 15 मिनट्स में आप इजिली हरम शरीफ पहुँच जाओगे ये डायरेक्ट आपको पहुँचाएगी किंग अब्दुल अजीज़ गेट पर और ये इतनी लग्जरी नहीं है जितनी वोको है या रेडिसन है बाकी दूर वाली होटल है इतनी भी लग्जरी नहीं है ठीक है एक नॉर्मल होटल है और 2 स्टार इसकी रेटिंग है लेकिन हाउस कीपिंग का जो स्टाफ है कॉरिडोर है रूम सर्विसेज है वो काफ़ी बढ़िया है और अगर आप बजट में देख रहे हैं अगर आप दूर होटल देख रहे हैं तो फिर तो ये आपको चलेगी नहीं लग शटल सर्विस चाहिए तो अगर पास देख रहे हैं और आपका बजट थोड़ा टाइट है आपको बरखा मद्दा अनवर जियाफा वो सब होटल नहीं चलेंगी तो वहाद जियाफा आपको बताइए बाजू में आगे मीरा सूद या लाइन में आगे होटल है वो चल सकती है डबल भी रूम है ट्रिपल भी है क्वाड भी है और क्विंट भी है वॉट एवर यू विश यू कैन टेक booking.com से भी इसकी बुकिंग हो सकती है अगर आप booking.com से बुक करते हैं तो आपको एमिनिटीज बहुत ज़्यादा मिलेगी इसमें चाय कॉफ़ी स्लीपर टूथब्रश ए टू जेड सारा आ जाएगा ये होटल का जो 6th, 7th और 8th फ्लोर है ये तीनों तीन ऑनलाइन बुकिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल विद booking.com या अगोडा या आप और कोई ऑनलाइन वेबसाइट से बुक कर रहे हो तो आपको एमिनिटीज ज़्यादा मिलेंगे उसका रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर इसका बुकिंग है 4 बेडरूम और अगर आप booking.com से बुक कर रहे हो तो आपको पड़ेगा 270-280 रियाल में पर नाइट और ये बहुत ही ज़्यादा है या आपको एजेंट के थ्रू बुक कर रहे हैं या डायरेक्ट होटल में वॉकिंग मतलब रिसेप्शन से बुक कर रहे हो तो आपको 200-220-180 तो बहुत हो गया 180 में आपको इजीली मिल जाएगा और डबल का थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा 220-230 गिन सकते हैं सो ये है इसका बेसिकली फेयर पर नाइट जो भी रहता है इसका सिस्टम तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर खाना हो तो और आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर रहने के लिए इफ़ यू नीड एनी बुकिंग असिस्टेंस वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प आई ड्रॉप माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन कॉन्टेक्ट अस तो अभी हमने रिसेप्शन से चावी ले ली चलते फिर 19th फ्लोर पर मैं आपको रूम बताता हूँ और बाकी कॉरिडोर है और इसका सारा सिस्टम देखते लेट्स गो सो अभी हम लोग होटल के कॉरिडोर में अभी हम 19th फ्लोर पे और ये जो पूरा है ये होटल का कॉरिडोर है टोटल नंबर ऑफ फ्लोर होटल में 21 है और मैं जो आपको बोला 6, 7, 8 प्राइवेट रूम जब बस वो रूम ऐसे सेम ही है
और ज्यादा कुछ फर्क नहीं, आई मीन रूम सेम ही, और खाली रूम में जो रूम टोटल सेम है और फ्लोर भी सेम है, रूम में जो एमिनिटीज है वो खाली चाय कॉफी और केटली रखी हुई है बस, दैट्स इट। एंड ये पूरा कॉरिडोर है, पीछे वाला लिफ्ट है और आगे भी लिफ्ट है, पीछे इमरजेंसी एग्जिट है, पीछे है और एक इमरजेंसी एग्जिट, ये रहा। सो चलते हैं रूम में, यहाँ पे सारे रूम इलेक्ट्रॉनिक है, कार्ड अंदर डालो, पावर है उसको बाहर निकालो, रूम खुल जाएगा। 19th फ्लोर पे 25 रूम नंबर की चाबी है मेरे पास, उसको देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ रूम कैसा है। सो अभी हम आ चुके रूम में और ये 4 बेड का रूम है, इसमें ऑलरेडी हम मैं रह रहा हूँ मतलब, और ये पीछे एसी है, कर्टेंस है, टीवी है, यहाँ पे पानी और जूस रखा हुआ था वो हम सब पी गए, और ये इसका मेन लॉबी वाला एरिया है, लॉबी तो नहीं कह सकता एग्जैक्टली, और ये यहाँ पे गैस भी है, वॉश बेसिन भी है, ये जो वॉशरूम रहता है ये, खैर वॉशरूम दिखाना बहुत ही वियर्ड लगता है, नॉर्मल सा वॉशरूम है, शावर आवर सब है, दिखा के मतलब क्या ही करना वॉशरूम को, और यहाँ पे मिरर भी है और ये ऐसा, और व्यू बहुत ही बढ़िया है 19th फ्लोर से, मैं आपको बताता हूँ जो मुझे व्यू पर्सनली भी बहुत ही अच्छा लगता है। विंडो ओपन करने की ट्राई करता हूँ मैं, विंडो खुल गई, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, रुको बैक कैमरा से। सो ये व्यू है हमारे रूम से माशाल्लाह, और सामने आपको हरम शरीफ के मीनारे भी आप देख रहे होंगे, और वो सामने देख रहे जबल और उमर, हेड्रेस मक्का टावर होटल दारुल तौहीद, तो सामने जो देख रहे हो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रेयर रूम है उधर एग्जैक्टली सामने, जो बीच में आप देख रहे हो दो बिल्डिंग के एग्जैक्ट बीच में, तो ऐसा कुछ व्यू है। और सामने जो आप देख रहे हैं वो पूरा एरिया है, और जो एग्जैक्ट सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं जूम कर रहा हूँ बस वहीं पे जन्नतुल माला शरीफ पे, बस वो बिल्डिंग के आगे ही जन्नतुल माला शरीफ है, वहाँ पे मैंने जहाँ जूम किया वहाँ पे अल सफा मरवा बस टर्मिनल भी है, और सफा मरवा भी वही वाली साइड है, और ये पूरा हरम शरीफ का व्यू है माशाल्लाह, और ये अपने लेफ्ट में है टावर, और यहाँ पर ये फ्रिज भी है, और यहाँ पर रेस्टोरेंट कॉफी शॉप सबके नंबर भी दिए, और ये इमरजेंसी फायर प्लान। चलो अब मैं आपको बूफे दिखाता हूँ और उनके बाहर चलता है, बूफे में यह है कि अभी तो बूफे बंद है, देखते हैं बूफे का क्या सिस्टम है, रेस्टोरेंट में आपको दिखा सकता हूँ। चलो चाबी निकाल लेते हैं हमारी और चलते हैं सीधा, और अभी तो रात का टाइम नहीं है, मैं आपको डिनर भी पूरा दिखाऊंगा यहाँ पर ग्रुप का जैसा लगता है। तो चलो चलते हैं अभी बाहर, हम आ गए वापस कॉरिडोर में। सो जैसा कि मैंने आपको बताया 2 रेस्टोरेंट है, अरबी रेस्टोरेंट 4th फ्लोर पे, तो सीधा चलते हैं 4th फ्लोर पे और मैं आपको अरब का रेस्टोरेंट दिखाना हूँ, देखते हैं वो ओपन है या नहीं, और फिर चलते हैं 8th फ्लोर पे रेस्टोरेंट जहाँ पर इंडियन बुफे लगता है, लेट्स गो। एंड अभी हम आ चुके हैं 4th फ्लोर पे, ये अरब लोग का बुफे है, और यहाँ पे कोई गुजरात का भी कोई ग्रुप है, मैंने को अभी पता चला, मुझे भी पता नहीं था। एंड ये पूरा बुफे और कुछ बुफे सकता है, बहुत ही छोटा बुफे, 8th फ्लोर पे जो है मेन वो सबसे बड़े वाला ये है पूरा, ऐसा आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये है पूरा बूफे, बस इतना ही है, वहाँ पर एक बूफे लगा हुआ है, ये पूरा है, और वहाँ पर आगे जो है ये बूफे लगा हुआ है, अभी साफ सफाई 40 ले कुछ है नहीं, और ये सामने जो नफक जाता है ये उसी का पूरा व्यू है, दैट्स इट। चलो नीचे चलते हैं आर पे जहाँ पर अपना बूफे लगता है, और अभी बज रहे 4:30, अभी 8th फ्लोर पे तो वैसे भी मतलब पूरा अंधेरा ही होगा, रात को जब 7-7:30 बजे बूफे लगेगा, खाना पीना आएगा, तब मैं आपको 8th फ्लोर पे ले चलूंगा, तो मिलते हैं सीधा 7 बजे 8th फ्लोर पे इंशाल्लाह, जहां पर रात का डिनर चालू होगा नीचे 8th फ्लोर पे, तब मैं आपको मेज़नाइन फ्लोर एम है वो भी दिखाता हूँ, आर भी दिखाता हूँ। सो गाइस इट्स 7:30 नाउ, डिनर का टाइम हो चुका, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रात को डिनर का बताऊंगा क्या सिस्टम रहता है बूफे का, चलो 8th फ्लोर पे चलते हैं एंड लेट्स सी हाउ द सिस्टम ऑफ आवर बूफे इज वर्किंग। So we are here at the 8th floor of the Wahad Yafa, let me show it to you all. This is how the buffet use looks. And ये पूरा ही पूरा है जो आप देखते हैं, ये बड़ा restaurant floor है. And this is how the buffet is looking. And this is how the restaurant floor is. सो बेसिकली ये जो बूफे राहत टूर का है, राहत ट्रेवल्स द ऑल इंडिया हज एंड उमरा टूर, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप वाले खाने थे, दाना ट्रैवल चाहे और कोई ग्रुप हो गया, बहुत सारे ग्रुप वाले खाना खाते हैं, और अगर आप यहाँ पर आ रहे तो आप इनका बूफे ज्वाइन कर सकते हैं, इनका नंबर ऐसा होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी तो बज रहे 7:00 अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट, मैंने ऊपर 7:30 बोल दिया, तो इसके बाद रेस्टोरेंट फ्लोर खाली है, 7:30 7:45 बजे खाने का टाइम चालू, दैट इज इट।
ये पूरा मैंने आपको जो बताया वहाद याफा के बारे में बताया। सो यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं। आगे हम बरखा मुद्दा अलमासा जहाँ सबको भी कवर करेंगे, एक ही होटल को मतलब दो तीन होटल को एक वीडियो में कवर करेंगे, अस्काल सफा को भी कवर करेंगे, अस्काल सफा में जो बूफे लगते हैं ग्रुप्स के उसको भी कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट हाउ वाज इट। सो गाइज आज बेसिकली डे टू, आज हम मदीना शरीफ जा रहे हैं और अभी लंच का टाइम है। कल मैंने आपको जो लंच बताया उसमें मैंने खाना बताया, तो चलो अभी लंच का क्या सीन है मैं आपको सारा बताता हूँ। मेनू में क्या है, मतलब फ्राई है, चावल में क्या है, स्टार्टर में क्या है, जो भी सिस्टम मैं आपको सारा बताता हूँ। अभी हम जा रहे हैं ऊपर रेस्टोरेंट में, जो मैंने आपको कल बताया था मैं आपको वही बता रहा हूँ।